मित्रों, रामायण में रावण का किरदार बहुत महत्वपूर्ण था, जहां एक और उसे बहुत घमंडी और आसुरी प्रवृत्ति का बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ रावण का महातेजस्वी, प्रकांड विद्वान और महाप्रतापी रूप भी हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अगर रावण ना होता तो शायद रामायण लिखी ही नहीं जाती। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रावण में ये आसुरी शक्तियां कहां से आई? आखिर कैसा रहा रावण का बचपन और कौन थे उसके माता पिता? क्योंकि इन सभी सवालों के बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानता, तो आइए मिलकर जानते हैं रावण के जन्म और उनके शुरुआती जीवन के रहस्यों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन मित्रों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है अमेज़न पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। मित्रों, पौराणिक समय की बात है। सुकेश नाम का एक राक्षस था जिसके 3 पुत्र थे। इनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके बाद ब्रह्मा जी इन तीनों भाइयों से खुश होकर प्रकट हुए और बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? इन पर तीनों भाइयों ने मिलकर 2 वर मांगे। पहला ये था कि हम तीनों का प्रेम सदा यूं ही बना रहे, और दूसरा ये कि हमें कोई भी पराजित न कर सके। इसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा शक्तिशाली वरदान पाकर तीनों भाई निर्भय हो गए और इस वरदान का दुरुपयोग करने लगे। आए दिन ऋषि मुनियों को सताते। एक बार तो उन्होंने विश्वकर्मा को भी बंदी बना लिया, जिन्हें निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। फिर इन तीनों भाइयों ने विश्वकर्मा जी पर दबाव डाला और कहा कि हमारे लिए एक भव्य और दिव्य नगर का निर्माण करें। विश्वकर्मा डर गए और उन्होंने इन भाइयों को लंका का पता बता दिया, और इस तरह वे तीनों राक्षस भाई अपने परिवार और बंधुओं के साथ लंका में जाकर रहने लगे। इनके पुत्र भी इनके जैसे ही निकले और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वाले हुए। जब कोई और विकल्प ना सूझा तो सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उनको अपनी व्यथा बताई। विष्णु जी ने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं इन्हें सबका नाश कर दूंगा। जब ये बात राक्षसों को पता चली तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बीच में विष्णु जी आ गए और सब राक्षसों का नाश कर दिया। राक्षस सुमाली को जब अपने दोनों भाइयों और उनके पुत्रों के साथ अपने सभी पुत्रों के मारे जाने की खबर मिली तो वह बहुत ही घबरा गया और अपने बचे हुए बंधुओं और परिवार के साथ लंका को त्याग कर पाताल लोक में छिप गया। वहां रहते हुए उसने सोचा कि मुझे अब एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जिसमें असुरों की शक्तियों के साथ साथ देवता जैसा तेज भी विद्यमान हो, यानी कि वो अपने कुल के लिए एक असाधारण उत्तराधिकारी चाहता था। यही वह समय था जब ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के तप और तेज की चर्चा तीनों लोकों में हो रही थी। इनके इन्हीं गुणों के कारण महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इलाविड़ा का विवाह इनसे किया था। शिव पुराण के अनुसार असुर सुमाली को जब विश्रवा के बारे में पता चला तो वो समझ गए कि ये कोई युग पुरुष है, तभी तो इनकी इतनी चर्चा है। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री कैकसी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और मोहक थी, का विवाह ऋषि विश्रवा से कराने का मन बना लिया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े महायोगी एक असुर की पुत्री से विवाह कैसे करेंगे। तब सुमाली ने कैकसी से कहा कि तुम महर्षि विश्रवा के आश्रम जाओ और उन्हें अपने सौंदर्य के प्रेम जाल में फांस कर उनसे विवाह करो, जिससे जो भी संतान उत्पन्न होगी वही राक्षस जाति का गौरव तथा बल बढ़ाएगी। जब कैकसी ऋषि विश्रवा के आश्रम के निकट पहुंची तो उस समय बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था। वास्तव में वह आसुरी नक्षत्र था। ऋषि संध्या वंदन करके लौट रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक दिव्य कन्या खड़ी है। देखते ही देखते ऋषि विश्रवा ने उसके मन को अच्छे से पढ़ लिया था। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तब कैकसी ने ऋषि को प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया कि मैं आपके ज्ञान और तेज से जुड़ी बातें सुनकर यहाँ आई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ऋषि विश्रवा भी मान गए
लेकिन उन्होंने कैकसी को ये बता दिया कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, पर हमसे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें राक्षसी गुण ही ज्यादा होंगे। ये सुन कैकसी बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने तेजवान हैं, तो हमारी संतान इस तरह की क्यों होगी? आप इसका कुछ समाधान निकालिए। जिसके बाद ऋषि बोले, ठीक है, हमारी अंतिम और सबसे छोटी संतान होगी, उसमें देवताओं के गुण ही विद्यमान होंगे। इसके बाद उन्होंने कैकसी से विवाह कर लिया और अपनी पहली पत्नी इलाविड़ा को छोड़कर कैकसी के साथ रहने लगे। और मित्रों, इन दोनों के मिलन से ही रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म एक अशुभ और अमंगलकारी समय में हुआ था। वो पैदा होते ही बड़े के समान दिखने लगे थे। इनका जन्म जैसे ही हुआ, वो दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी दासियां भाग खड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे किसी शिशु का जन्म नहीं देखा था। रावण के अलावा कैकसी ने तीन और संतानों को जन्म दिया, जिसमें कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। जहाँ कुंभकर्ण और शूर्पणखा में तो आसुरी गुण ज्यादा थे, वहीं विभीषण में देवत्व था। कैसा था रावण का बचपन? मित्रों, रावण के अंदर आसुरी प्रवृत्ति के साथ साथ देवताओं के गुण भी विद्यमान थे, यानी कि उनमें न्याय, कूटनीति और तप जैसे दैवीय गुणों के साथ क्रूरता, दंभ, हिंसा जैसे राक्षसी गुण भी अनुवांशिक रूप से उपस्थित थे। और यही नहीं, रावण के अंदर गीत संगीत, गांधवीय सौंदर्य तथा सांस्कृतिक निपुणता भी मौजूद थी। रावण ने बचपन में ही हर तरह की शिक्षा और विद्याएं हासिल कर ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाल्यावस्था में ही उसने वेदों का भी अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष और भी तमाम प्रकार की तांत्रिक विद्याएं उसने बहुत कम ही उम्र में सीख ली थी। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसीलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की। और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने जब उसे वरदान मांगने को कहा, तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसीलिए समझने का प्रयास करो। इस पर रावण ने कहा, मुझे वानर और मनुष्य के अलावा इस धरती पर कोई भी ना मार सके। और मित्रों, ऐसा उसने इसलिए मांगा क्योंकि वो मनुष्य और वानर को अपने आगे बेहद ही तुच्छ समझता था और उसे अपनी शक्तियों पर हद से भी ज्यादा अभिमान था। फिर ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। इतना ही नहीं, बाद में उसने भगवान शिव की भी सच्चे हृदय से आराधना की। मित्रों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उसका घमंड और भी बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। एक वक्त ऐसा आ गया था कि रावण के नाम से लोग थरथर कांपने लगे थे। रावण की शक्तियों से देवतागण सहम गए थे। जब उन्हें कोई उपाय ना सूझा तो वे विष्णु जी के पास गए और बोले, अगर रावण को नहीं रोका गया तो वो पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मचा देगा। इसके बाद ही भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया और उसका संहार किया। और इस प्रकार इतना प्रकांड विद्वान और कई तरह की विधाओं को जानने वाले रावण का अंत हो गया। मित्रों, रावण का जन्म एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था और असल में उनका लालन पालन उनके नाना के घर हुआ था, इसीलिए उनके अंदर आसुरी गुण सदैव ज्यादा हावी रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अब रावण के जन्म के रहस्य को जान गए होंगे। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक कर ले हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।